दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नर्सरी से लाए हुए हिबिस्कस के पौधे को रिपोर्ट करेंगे, कैसे उसे लगाएं ताकि उसके पत्ते मुरझाएं ना, कलियां पीली होकर ना गिरें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको मदद मिल सके कि आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को आसानी से गमले में कैसे लगा सकें। वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। चलिए, पौधा लगाने से पहले आपको पौधा लगाने का सही समय बता दूं। हमेशा ही शाम का समय सबसे सही रहता है पौधे को लगाने के लिए, क्योंकि रात भर टाइम मिल जाता है पौधे को सेट होने के लिए नए तरह की सॉइल में अपनी नई लोकेशन पर। अब सबसे पहले ग्रो बैग में से हम हिबिस्कस के पौधे को आसानी से निकाल लेते हैं। आप चाहें तो किसी टूल्स की मदद से ग्रो बैग को काट कर हटा सकते हैं, या फिर बहुत ही सावधानी के साथ ग्रो बैग को खींच कर निकाल सकते हैं। आपको विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि रूट इसकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने ग्रो बैग को आसानी से निकाल लिया है। नर्सरी वालों ने इसे चिकनी मिट्टी में लगाया है और ये काफ़ी हार्ड है। यह जो है पौधे को काफ़ी डैमेज कर सकती है और यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इसकी मिट्टी को हटा लेना है। आप चाहें तो किसी फॉग या टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम काफ़ी आराम से करना है आपको। इसके लिए आप चाहें तो रूट वाल को पानी में डुबोकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी धीरे धीरे गल जाएगी और पौधे की रूट भी डैमेज नहीं होगा। पौधे को लगाने के लिए आपको 50% नॉर्मल गार्डन की सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों का मिश्रण लेकर के अच्छे से मिला लेना है और इसमें हम पौधे को लगाएंगे। अपने पौधे को लगाने से पहले गमले का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। हिबिस्कस एक सन लविंग प्लांट है और जो भी पौधा पूरे टाइम धूप में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, उस तरह के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी का गमला सबसे परफेक्ट माना जाता है। गमले में ये चेक कर लें कि प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज होल बना हो। ड्रेनेज होल के ऊपर स्टोन के कुछ टुकड़े रख लेंगे ताकि ड्रेनेज होल ब्लॉक न हो, चोक न हो। गमले में जो मिट्टी का मिश्रण हमने तैयार किया हुआ है, 50% वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग और 50% नॉर्मल गार्डन की सॉइल, इन रेशियो को गमले में आधे से अधिक भर करके गमले को तैयार कर लेंगे। पानी में हमने रूट वाल को रखा था। हमारी रूट वाल की मिट्टी गल करके बिल्कुल क्लीन हो गई है। रूट प्लांट की काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। आपको यह काम बहुत ही आराम से और सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि हमें प्लांट की रूट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी रूट दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी रूट आई है। प्लांट हमारा बहुत ही जल्दी सर्वाइव कर जाएगा, लग जाएगा। हमारा प्लांट भी पोटिंग के लिए रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे लगा लेते हैं। पौधे को गमले के बीचों बीच लगाना है और जो मिट्टी का मिश्रण हमने तैयार किया हुआ है उसको चारों तरफ से बहुत ही हल्के से दबाते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से भर लेना है। पौधे को ऐसे लगाना है कि गमले में 1 इंच जगह बचा रहे, ताकि समय समय पर पानी और खाद डाला जा सके, और उसके बाद मिट्टी को काफ़ी अच्छे से प्रेस कर देंगे। पौधा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी डाल देंगे और मिलते हैं इसके रिजल्ट के साथ। पौधे को लगाने के बाद अगले दिन पौधे को तेज धूप में आउटडोर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप इसे किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। दोस्तों, पौधे को लगाए हुए लगभग 1 हफ्ते होने को है और पौधे में हम थोड़ा सा इसमें गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे, जिससे कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, फ्लावरिंग जल्दी आएगी। तो ये फाइनल रिजल्ट है 1 हफ्ते बाद का। पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है और इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी आपको पौधे को सही तरीके से लगाने में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।